हेलो रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग का क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सबकी दुआओं के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा कंप्लीट हो गया है। अल्लाह मियाँ हम सब के पहले अशरे के रोज़े, हमारी इबादतें, हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह मियाँ सब की दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए, जितनी मसाइल हैं सबके ख़त्म करे, सबको अल्लाह मियाँ सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जिस चीज़ को भी कोई बीमारी, अल्लाह में उसकी बीमारी ख़त्म करें, अल्लाह में सबको सेहत और शफा वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो जी जनाब, बस यहाँ पे सहरी हो रही है हमारे 11वें रोज़े की, माशाल्लाह से बस रोटी बना ली, पराठे बना लिए, अब यहाँ पे मैं चूरी बनाने लगी हूँ। तो जी जब आपको लोग, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जब चूरी बनाई जाती है इतनी गर्म गर्म रोटी होती है कि आपके जो फिंगर्स होते हैं ना, ऐसे लग रहे होते हैं कि एकदम से जल रही हैं। जब रोटी को आप चूरते हैं, उसके छोटे छोटे पीस कर रहे होते हैं, बहुत गर्म होती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मुझे समटाइम ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हाथ है ना, जो फिंगर्स हैं हाथ के, उनमें से सेक निकल रहा है इतनी। फिर थोड़ी देर, क्योंकि गर्म गर्म ही ये चूरी जाती है, ठंडी हो जाए तो चूरी भी नहीं जाती। तो बस माशाल्लाह से यहाँ से मैं चूरी बना रही हूँ, जो सबको ही बनानी आती है। बस ट्रिक होती है कि गर्म गर्म का कुछ हैंडल कर लेते हैं, कुछ ठंडी करके हैंडल करते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो जी जहाँ पे मैंने चूरी अपनी अच्छी तरह से चूर ली थी, अब इसके अंदर मैंने घी को गर्म करके अच्छी तरह से वो शामिल करूँगी, ताकि उसको शामिल करने से ना वो चूरी जो होती है, घी तो कम होता है देसी घी, लेकिन बाद में अब गर्म करके ऊपर से डाल देंगे तो वो घी सही आ जाएगा। तो जी बस यहाँ पे मैं शाम अफ्तारी की रूटीन पे आ गई, जहाँ पे मैंने तोरियाँ मंगवाई थी। तोरियों का सालन बनाऊंगी, क्योंकि माहे रमज़ान है, एक तो सालन यूज़ बहुत कम होता है, सिर्फ सहरी में थोड़ा बहुत यूज़ होता है। अफ्तारी में तो कोई भी खास इतना खाना नहीं खाता, कभी हो के स्पेशल कोई पुलाव या कुछ स्पेशल सालन बनाओ तो फिर थोड़ी बहुत खा लें, अदरवाइज सहरी के लिए होते हैं। तो अभी नई नई आई है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी और ग्रीन ग्रीन थी, और माशाल्लाह से सालन इसका बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था, ऐसे जैसे मसाला टाइप नहीं होता इस तरह। अब बस इनको मैं छील लूँगी और बाद में मैं कटिंग कर लूँगी। तो जी हाँ जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जब आप तोरियों को छील रहे होते हैं तो आप इनको किस तरह से छीलते हैं? मैं तो ऐसे कटर के साथ इसका छिलका उतार रही हूँ, आप लोग कैसे? तो कुछ तो जैसे वैसे उतारते हैं, जैसे वो छुरी के साथ नहीं उतारते नाइफ के साथ, करेलों का ऊपर से खुरच लेते हैं जैसे, मतलब। लेकिन मैं तो इस तरह से उतारती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना वो सही बनती है। अगर उस तरह से उतारे ना, तो उसकी स्किन ब्लैक ब्लैक हो जाती है, तो वो पकाने के बाद भी बड़ी ब्लैक ब्लैक सी पकती है। अब इस तरह पकाने के बाद इतना प्यारा हल्का सा सुनहरे सुनहरे से कलर आएगा, बहुत वाइट वाइट टाइप आता है, उस तरह से बड़ा ब्लैक ब्लैक सा शेड आता है सालन पकाते। तो जी हम बस अब अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, जिसमें मैंने तोरियों को कटिंग कर लिया था और प्याज भी मैंने उसी के अंदर ही 2 अदद कटिंग कर ली थी। यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने कटिंग किया है, जैसे वो हल्का सजेस्ट हुए हैं फ्राई, उसके अंदर मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल दिया, और कुछ भी नहीं, ना मैंने साबुत धनिया डाला है ना जीरा डाला है। बस जैसे ही वो थोड़ा सा हुए हैं अंदर, मैंने तोरियाँ शामिल कर दी और सिर्फ 2 घूंट पानी के डालूंगी, क्योंकि तोरियाँ खुद ही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं, और उसको मैं सीटी लगा दूंगी, प्रेशर लगा दूंगी। यहाँ पर है कि प्रेशर उतार, प्रेशर ख़त्म करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इनको भून लिया था, इसका जितना भी पानी था सारा खुश कर लिया था, बिल्कुल मसाले टाइप की तैयार हो गई थी माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी बस मेरी चना चाट भी तैयार है, यहाँ पे मेरी फ्रूट चाट भी तैयार है। हम लोग फ्रूट चाट 2 तरह से बनाते हैं, एक में क्रीम मिक्स करते हैं और एक में सिंपल चाट मसाले के साथ, क्योंकि कुछ लाइट खाते हैं, कुछ क्रीम चाट वाले खाते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। यहाँ सिंपल वाली भी तैयार हो गई, यहाँ पे क्रीम वाली भी तैयार है फ्रूट चाट माशाल्लाह से।
जी इफ्तारी में आज मैंने जौ की रोटी भी बनाई थी, क्योंकि ठंडी होती है तो आज जौ की रोटी भी साथ ट्राई की थी इफ्तारी में बना के। और माशाल्लाह से आज आपके लिए एक मैं स्पेशल ड्रिंक लेके आई, जो मैं पहले भी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चिकम्बर है, मिंट ड्रिंक कह लें, वाटर कह लें, इसको कुछ भी कह लें, पर भी गर्मी का तोड़ है। आपने खीरे छीलने हैं, इनको ग्राइंडर में डालना है, थोड़ा सा पुदीना डालना है, बस एक से दो अदद नींबू निचोड़ने हैं और पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। और बाद में आपने इसको भुन लेना है, अंदर एक चम्मच चीनी डालनी और थोड़ा सा नमक यूज़ कर लें बस। तो जी ये मज़ेदार सा चिकम्बर वाटर मेरा तैयार है माशाल्लाह। इसे ना गर्मी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया है और ये आप पी के आपकी गर्मी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी जल्दी जाए नीचे लाइक और शेयर का बटन क्लिक कर लें और सब्सक्राइब कर लें जो मेरे चैनल पर न्यू है, और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे चाहूँगी मैं आपके साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।